खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। पीएसडी इंडिया न्यूज़ से तुहाड़ा स्वागत है। दस दिने कि पठानकोट की एक वड्डी खबर सामने आ रही है, जो कि 3 नौजवान सिक्किम की लड़ाई में शहीद होए सी। उहदे विचों पठानकोट का एक नौजवान पिंड बाजूवाल शहीद अमर सिंह की मृतक दे उन्होंने जद्दी पिंड बाजूवाल पहुंची। बुजुर्ग माता पिता ने सलूट मार के श्रद्धांजलि दी। तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीर, बड़ा दुखी हिरदे दे नाल कहा जाता है। आप देख सकते हो किवें विरलाप कर रहे उन्हों का परिवार। पीएसडी इंडिया न्यूज टीवी तो पत्रकार निर्वाचन लूथरा की खास रिपोर्ट। मैं बुझी राख नहीं अमरदीप हूँ, मिट गया जो वतन पर मैं वो शहीद हूँ। आज सिक्किम में जो 3 जेसी उसमें 16 जवान शहीद हुए थे, उनमें से जिला पठानकोट के गांव राजूवाल का लांस नायक ओंकार सिंह जो है वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं इस परिवार को नमन करता हूं और परिवार को आश्वासन दिलाता हूं कि ये शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद इनके साथ खड़ी है। सरकार से अपील करी थी कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, गाँव में उनके नाम की यादगार गेट बने, सरकारी स्कूल का नाम जो उनके नाम पे रखा जाए। तो हल्का विधायक व कैबिनेट मंत्री श्री लालचंद कटारू जग जी ने वो आज ही अनाउंस कर दिया है, तो हम भी उनके आभारी हैं। सो ये सैनिक कितने कठिन हालातों में अपनी ड्यूटी देते हैं ये सारे देश ने देखा। ये सरहद पर जागते हैं तभी देश सोता है। सो इनकी शहादत का मोल हम नहीं चुका सकते, सिर्फ इनके परिवारों का मान सम्मान भाव रख के उनके जख्मों पर मरहम लगा कर हम उन्हें जीने का मकसद प्रदान कर सकते हैं, और यही आज के दिन पर इस अमरवीर को सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये आप सभी को पता है कि नायब सूबेदार ओमकार साहब अपने देश के लिए पूरी शिद्दत से सर्विस करते हुए उन्होंने शहादत को हासिल किया है। और मैं बस इसमें यही कहना चाहूँगा कि पूरी भारतीय सेना और पूरी इंडियन आर्म फोर्सेज उनके परिवार के साथ आज भी है, पहले भी रही है और हमेशा आगे भी रहेगी। थैंक यू सो मच। हर तरफ से खबरों की बौछार, शहर की खबर, देश की खबर, दुनिया की खबर, इन सब के बीच गुम है हमारी अपनी खबर।